नमस्कार दोस्तों, क्या अपने घर पर लगे हुए एलईडी बल्ब को खुद अपने घर पर रिपेयर करना चाहते हैं? तो बिल्कुल सही जगह वीडियो को क्लिक किए हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाला है, जिसके जरिए आप पड़े हुए एलईडी बल्ब को खुद से रिपेयर कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। वो चीज़ कौन कौन सी है दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों। इससे पहले जो है दोस्तों, चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो का आप आनंद रोज ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो है दोस्तों, इस दो एलईडी बल्ब है हमारे पास, और दोनों एलईडी बल्ब जो है दोस्तों अभी डेट पर प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इस पहले वाली हम चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस एलईडी बल्ब पर जो है दोस्तों धीमा जलता है, यानी कि ये रोशनी बहुत कम ग्लो होती है, और दूसरी जो है दोस्तों थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखती है, लेकिन ये भी धीमा जलती है। तो दोनों का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, हम लाइव प्रूफ के साथ आज रिपेयर करेंगे आप सभी से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज लाइव प्रूफ के साथ अपने घर पर फुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप अपने घर पर भी ऐसे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, तो दोस्तों, जैसे कि इस एलईडी बल्ब पर लगे हुए ढक्कन को हम खोल चुके हैं, अब जो है दोस्तों हम इस एसएमडी को कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात, इस 9 वोल्ट की बैटरी की सहायता से हम एसएमडी को चेक करके आप सभी को हम दिखाएंगे लाइव प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पड़े हुए एलईडी बल्ब का ड्राइवर शॉर्ट हो या एसएमडी प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो इस रीजन में आप 9 वोल्ट की बैटरी की सहायता से आप चेक कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इस वीडियो पर हम बहुत कुछ सिखाएंगे दोस्तों, वीडियो पर बने रहे। तो दोस्तों, इस 9 वोल्ट की जो बैटरी है उसे कैसे चेक किया जाता है ये भी देख लीजिए दोस्तों। तो हम चलिए इस होल्डर को जो है, इस होल्डर को जो लगा हुआ होल्डर है, इसे हम इधर सेट कर लेते हैं। इस पर करंट नहीं है, तो यहाँ हम सेट कर चुके हैं। अब जो है बल्ब को हम अच्छी तरह से इसे सेट कर लेंगे, लगा लेंगे, और लगाने के बाद जो है दोस्तों, 9 वोल्ट की जो बैटरी हमारे हाथ में थी दोस्तों, इसके ज़रिए हम एसएमडी को एक एक करके चेक करेंगे। तो फटाफट से हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, जो एसएमडी ख़राब होगी वो ग्लो नहीं होगी, वो जलेगी नहीं, और जो एसएमडी अच्छी होगी दोस्तों वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो दोस्तों, इस तरह से आप फेस को भी उल्टा पुल्टा कर लीजिएगा, ताकि माइनस प्लस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से जो है माइनस प्लस हम उल्टा कर लिए हैं, ये जल रही है दोस्तों, ये एसएमडी बिल्कुल सही है, ये एसएमडी जो है दोस्तों ये सही है। तो इस तरह से एक एक करके हम फटाफट चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम बल्ब को चेक कर चुके हैं। अब जो है दोस्तों, हम मल्टीमीटर से आपको हम चेक करके दिखाएंगे। इस पे जो है 110 वोल्ट आना चाहिए, जो कि इस ड्राइवर पर मौजूद है वोल्टेज। तो दोस्तों, इस रीजन पर आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एसएमडी को केवल चेंज कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे चेंज करके देखते हैं। पहली वाली जो बल्ब है दोस्तों, उसे एसएमडी चेंज करने से ही ये बल्ब जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम फटाफट से चेंज करते हैं। तो लगे हुए स्क्रू को इस तरह से खोल लेंगे। तो दोस्तों, इस एसएमडी को हम चेंज कर चुके हैं, अब ये बिल्कुल सही हो चुका है दोस्तों। ये डेड बल्ब जो था, अब बिल्कुल सीख गए होंगे कि कैसे डेड बल्ब को आप अपने घर पर रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये पहला जो बल्ब था ये तो बिल्कुल सही हो चुका है, अब दूसरा भी बल्ब को हम रिपेयर करके दिखाते हैं दोस्तों। उस पर थोड़ी थोड़ी जल रही है, रोशनी दे रही है और ब्लिंकिंग भी कर रही है, तो उस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए दोस्तों, उसे भी हम टेस्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, पहले वाली जो बल्ब है
वो आप बहुत आसानी पूर्वक से सीख चुके हैं। अब आइए हम दूसरी जो बल्ब है दोस्तों, इसकी ढक्कन को हम खोलते हैं, जो कि इस तरह से खुल जाएगी, आप भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये एलईडी बल्ब जो है ये थोड़ी जल रही है दोस्तों, उस रीजन पर हम जो है मल्टीमीटर से भी आपको हम चेक करके दिखाते हैं। इस मल्टीमीटर को आप देख सकते हैं 135 वोल्ट के करीब हमें देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो ड्राइवर है ये पूरी तरह से क्लियर है, इसमें ड्राइवर में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत है इस SMD में ही है। तो चलिए दोस्तों अब फिर से हम जो है 9 वोल्ट की बैटरी जो है इसे हम चेक करके आप सभी को दिखाते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो इसके ज़रिए आप आसानी पूर्वक से SMD को चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर SMD को आप फ्री में भी रिपेयर करना चाहते हैं तो जो SMD आपकी नहीं जलेगी दोस्तों, उस जगह आप SMD को उखाड़ लेंगे और वहाँ आप सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर देंगे तो वो बिल्कुल फ्री में आपका जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम एक एक करके SMD को हम चेक कर लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सा SMD मेरा ख़राब है। अगर वायर एक तरफ से ना जले दोस्तों तो माइनस प्लस में भी आप चेंजिंग कर लेंगे, उस तरह से चेक करेंगे ताकि आपकी कोई फॉल्ट जो है वो आसानी पूर्वक से पकड़ में आ सके। तो इस तरह से हम माइनस प्लस को घुमा लेंगे। ये SMD जल रही है दोस्तों, यहाँ भी एक SMD है, ये भी जल रही है। चलिए यहाँ भी एक है दोस्तों, इसे भी देख कर लेते हैं। तो दोस्तों ये भी SMD जल रही है। तो दोस्तों मेरा एक SMD ख़राब निकला, जो कि ये बीच में है। तो दोस्तों इस रीजन पर भी दोस्तों हम जो है इस SMD को ही चेंज करेंगे। अगर आपके पास SMD नहीं हो दोस्तों तो उस रीजन पर जो SMD ख़राब निकलेगा उसे आप सोल्डरिंग कर देंगे तो ये बल्ब जो है आपका चलना शुरू हो जाएगी। जो नहीं जल रही थी, डेड प्रॉब्लम भी थी, वो आपका जो है 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसे जो है अच्छी तरह से चेंज करेंगे और इस पर जो दोस्तों ज़्यादा टिकाऊ के लिए इस पर एक पेस्ट लगता है, वो पेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे दोस्तों, उसके ज़रिए आप इस पेस्ट को आप ला सकेंगे ताकि ओवर हीटिंग प्रॉब्लम जो होती है उसकी ज़रिए ही जो है बल्ब ख़राब जल्दी होती है। तो बल्ब आपकी ख़राब नहीं होगी, उस पेस्ट का इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपका जो बल्ब है ज़्यादा दिनों तक ग्लो होगी। तो इस तरह से जो है हम बल्ब को निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो है दोस्तों इस SMD को हम नया लगा के चेक करके देखते हैं। ये जो LED बल्ब थोड़ी थोड़ी जल रही थी वो अब पूरी तेज़ी से जलेगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम जो है इस LED बल्ब पर भी हम दूसरा SMD लगा के चेक करते हैं। तो इस तरह से जो है हम पेस्ट, सूखा पेस्ट इस पे हम लगा चुके हैं, जो कि इस पेस्ट को आप मंगा सकेंगे, डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों, अब इसके ज़रिए आप पेस्ट को ला सकेंगे। अगर ये पेस्ट नहीं आपके पास है दोस्तों तो आप फेविटाइट आप ले सकते हैं, 10 रुपये में मिलता है और उसका भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और इस पर लगाने के बाद जो है दोस्तों ओवर हीट जो होता है बल्ब, जिसकी चलती आपका SMD ख़राब होता है, तो उस पेस्ट का आप इस्तेमाल करेंगे तो SMD जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से हम LED बल्ब बनाते हैं दोस्तों, जिसके चलती ज़्यादा दिनों तक वर्क करता है ये SMD, कभी भी ख़राब नहीं होता है दोस्तों, आप इजीली तरीके से इसे रिपेयर कर सकेंगे। और तो चलिए दोस्तों इस LED बल्ब को हम सोल्डरिंग कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसे जो है 220 की करंट हम दे करके इस जगह हम इसे उठाएंगे और यहाँ से लगा के देखेंगे। दोस्तों ये जो LED बल्ब है पूरी तरह से अच्छी हो चुकी है। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का आप आनंद रोज़ ले पाएंगे हमारे इस चैनल पर दोस्तों। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नए नए वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हर वीडियो आपको एक ही चैनल पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं जाके, वहाँ भी आपको अच्छी अच्छी बैनर और पोस्टर बनाने की जो विकल्प है दोस्तों देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम ऐसे ही नए नए टॉपिक लेकर के फिर से हाजिर होते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।